उसे दे ताकत हो रही आ चले ये खिलाड़ी कौन सी संचार ये आ जाए चले चलिए बहुत बेहतरीन और ये स्टार्ट करा मानिकपुर ये फाइनल का महा मुकाबला महा ग्रैंड फिनाले का ये शुरुआत है अच्छी पास यहाँ पर चले खिलाड़ी रफ्तार आजाद ने साहबगंज का ये कहा थमेगा लेकिन वो तो छोड़ दिया जाएगा डेफिनेटली इसको छेड़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि खतरा बरकरार है अभी इसीलिए एक तरफ दसवीं छोर से ये खिलाड़ी है मानिकपुर के दूसरी तरफ उत्तरी छोर से ये साहिबगंज की टीम है गोल किस पर हावी होगा कौन सा और मात का ये चाल चलेंगे इसी बीच चले खिलाड़ी रथी और महारथी का समावेश इसी बीच अच्छी पास जिसमें चाह ने बॉल को कलेक्ट किया है पीछे बॉल को धकेल दिया है बेहतरीन तरीके से खेलते हुए यहाँ पर और अच्छी पास वहां पर गैप में देने पर ऐसे अच्छी संगत चले अच्छी पास वन सेकंड वहां पर ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन खेलते हैं ये विंगर के हैं अच्छी पास वहां पर बिल्कुल बॉल को पीछे धकेलता हुआ ये है उपेंद्र चटनी के नाम से प्रसिद्ध वन सेकंड पीछे बॉल को धकेलता हुआ बॉल को गैप में पर ऐसे वहां पर बिल्कुल बॉल को लॉन्च किया ये बहुत बेहतरीन बॉल के साथ 14 में खेला चले ये है ये रफाइल तीन गोल दागने वाले खिलाड़ी इस पर हमारी निगाहें रहेगी सुबह चले और एक बार खतरा हो सकता है लेकिन यहां पर मलिंगा जैसे खिलाड़ी है चट्टान की पाती तैनात चीन की दीवार का आना बेहतर होगा और अब तू ये लंबा शॉट खेले जाने जाते इसके बाद क्या शॉट है लंबा हेडर का अनुभव है इसी बीच मलिंगा वंस अगेन लंबा खींचते हुए बॉल को यहां पर चले बुधराम बेहतरीन खिलाड़ी है जो कि सर्वांगीण विकास महागामा की तरफ से हमेशा खेलते रहे नारायण जी ने जैसे हमें बताया तो ये खेल कई आगाज है ये शुरुआत है चले यहाँ पर देख रहे जबरदस्त तरीके से कुछ आ रही है वहां यहाँ पर लेकिन चुके वहां पर अन्यथा बहुत अंदर लेकर बॉल को खींचे थे वंस अगेन फाइनल चले अच्छी पास वहां पर सूझ बूझ के साथ चलते हुए वंस अगेन मानिकपुर मानिकपुर चले यहाँ खिलाड़ी साथी के उतरे पर ऐसा होकर अच्छी पास वहां पर खत्म हो गया लेकिन हेडर क्या है बेहतरीन सुबोध विकी प्लीज कंटिन्यू दोनों ही टीमें फाइनल में खूब खूब कर कदम रखते हुए क्योंकि फाइनल का जो सफर रहा दोनों ही टीमों का बहुत ही शानदार रहा जानदार रहा और दोनों ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और तब फाइनल में पहुंची है और फाइनल में कोई टीम हर टीम चाहती है वो प्रथम स्थान पर आए बहरहाल पहले कौन आएगा ये तो वक्त के गर्भ में है बहरहाल अभी दोनों टीमें एक दूसरे से करते हुए और ये तब एक फाउल और फाउल मिला है साहिबगंज की टीम को किक करेंगे जर्सी नंबर 3 और ये खिलाड़ी लंबा शॉट लेते हुए यहां पर अब्दुल ने करा था मानिकपुर में क्षेत्र में लहराता मर रहा था वो और यहां मैच प्रगति पे फिलहाल ये शुरुआती क्षण है तो इतना रोमांच इतना जिस प्रदर्शन उसको देखने को नहीं मिला फिलहाल ये समय के साथ तालमेल बिठाएंगे अपने साथी खिलाड़ी और हमें निश्चित रूप से एकाध गोल जरूर अवश्य नजर आएंगे और इसी बीच बेहतरीन मौका लेकिन देखिए ये ऑफसाइड करा दिया गया निर्णायक महोदय के द्वारा और निर्णायक महोदय की जो टीम है मंडली है मैं जितनी तारीफ करूं सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं जिस दिन से इस खेल का महाकुंभ शुरू हुआ है उस दिन से इन लोगों ने अपने जो कर्तव्य है बखूबी निभाया है और इसी बीच यहाँ फिर से बिल्कुल डी बॉक्स के करीब लेकिन ये गेंद थोड़ा दूर जाता है खिलाड़ी से और अभी भी आजाद नगर के पास अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहता लेकिन थोड़ा सा चुप होता हुआ थोड़ा सा दूर उनसे बाहर जाता हुआ जिसे आप करीबी मामला हो सकता था लेकिन हेडर के जरिए गेंद को बेहतरीन नियंत्रित करने की कोशिश लेकिन अभी भी मणिपुर के खेलने में गेंद खतरा हो सकता है एक मौका हो सकता है वह 9 नंबर खिलाड़ी के पास देते हैं ये
कुछ समय के लिए ये कमेंट्री रुका है थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट के जरिए, तो सभी दर्शकों से क्षमा चाहेंगे। और इसी बीच यहाँ बहुत सुंदर मौका हो सकता है आजाद नगर के पास, और शुरुआती दिनों से ही दोनों ही टीम की बात करें तो एक निखार है, लेकिन दोनों ही टीम अपने पक्ष की ओर प्रबल दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि दोनों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, बस जो अवसर मिलेगा बस उसको उसमें कामयाब होने की जरूरत है। हेलो, इस बिग बॉल साइडलाइन से बाहर हुई है आजाद क्लब साहेबगंज के एक प्लेयर, थोड़ी देर के लिए इंजर्ड हुए थे, कॉर्नर का इशारा हुआ था और मणिपुर टीम कॉर्नर लेने के लिए साहेबगंज की टीम के खिलाफ बॉल बॉल मांग रहा है। वॉलंटियर्स, हमारे वॉलंटियर्स से अनुरोध होगा जितने जल्द होगा बॉल वापस ग्राउंड पे वापस दे दें। हेलो, बॉल लाइन से आना पे बॉल अपील की पे गुरु को पिया सीधा जा पे के चंप पे मैं बॉल अपील भी होना चलते थे मैं छोटा हो रहा ओका गेम हमारा उत्तर नखा चला अपना कमेटी के कोई लड़के उस तरफ जल्दी चले जाएंगे थोड़ा कम जल्दबाजी काउंटर चला के मैच सभी तो बॉल बॉल फेंक के चलते थे डिले करा। और चलिए सुबोध जी, इस बीच गेंद आ गई और कॉर्नर लेने के लिए मणिपुर की टीम तैयार है। वही साहेबगंज की डिफेंस उसके इस कॉर्नर शॉट को रोकने के लिए और ये कॉर्नर शॉट लेने के लिए मणिपुर की टीम। हेलो, और ये लंबा कॉर्नर पर सीधे गोली के हाथ में, गोली ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसे दबोचा और अपने खिलाड़ियों को साथी खिलाड़ियों को ढूंढते हुए और वही बॉल को रोल कर दिया और धीरे धीरे वो अपने खिलाड़ियों को देखते हुए लॉन्ग पास किया पर बॉल इंटरसेप्ट कर दिया मणिपुर की टीम के जर्सी नंबर 7 ने। जर्सी नंबर 7 अपने खिलाड़ियों को देखते हुए पर लॉन्ग पास और बॉल के डिफेंडर से उन्होंने लॉन्ग शॉट करके उसे अपने कॉर्नर से बाहर कर दिया। बॉल अभी ग्राउंड के बीचों बीच में, अभी टसल जारी है दोनों ही टीमों के बीच में। दोनों ही टीम फिलहाल डिफेंसिव मोड पे ही है दोनों। हेलो, अब देखना यह है हु विल ड्रॉ द फर्स्ट ब्लड। सुबोध जी क्या लगता है? जी हाँ, फिलहाल अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, तो इट इज वेरी इट इज डिजायरेबल स्टेज मिस्टर सुबोध एंड एट एनी हाउ दे वन टू गेट द ब्रेक थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा खिलाड़ी ये पहला गोल डाले, कौन सा टीम, ये बड़ा सवाल है, लाख टके का सवाल है। इसीलिए यहां पर चले मणिपुर के लिए उतरे डायरेक्ट शॉट करेंगे। बचे यहां पर एक लंबा शॉट और साहेबगंज की गोली का ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया, पूरा स्ट्रेच किया पर बॉल उनको टच करते हुए साइड से निकल गई। नेटवर्क स्लो है या डेटा। साहेबगंज के लंबे से डिफेंडर अपने खिलाड़ियों को खींचते हुए बॉल को मणिपुर के फॉरवर्ड ने इंटरसेप्ट किया, अपने खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 को दिया जो बॉल छकाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसे दोबारा इंटरसेप्ट किया साहेबगंज के डिफेंडर्स ने और बॉल को अपने साइड से बाहर करने का प्रयास किया। बॉल फिर से जर्सी नंबर 7 से मणिपुर के ही मणिपुर के खिलाड़ी के पास अपने खिलाड़ी को खोते हुए ये बहुत ही शॉर्ट पास करने का प्रयास किया। बीच में रेफरी महोदय का फॉल का इशारा और ये बड़ा घातक हो सकता है। बिल्कुल, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल फॉर साहेबगंज आजाद नगर।
ये बहुत ही नजदीकी मामला है, कुछ भी संभव है। यहाँ पर उन्होंने जो संकट को दावत दिया है, इससे निकलना होगा, उभरना होगा। और मणिपुर के लिए बेहतरीन अवसर है स्कोर करने के लिए, लीड लेने के लिए, करीबी मामला। और कौन सा खिलाड़ी शॉट करेंगे ये देख, आई थिंक दिस द राफेल इज गेटिंग रेडी टू हिट द बॉल। यस, जस्ट अ टेल, जिन्होंने हैट्रिक करा था, स्मॉल रनर। देखिए किस तरह का शॉट लेंगे, और ये बॉल, ये टकराई है और गोलकीपर से बॉल बाहर, यहां टच करते और ये कॉर्नर के लिए इस बॉल को भेजा गया है। कॉर्नर जो बॉल बनाई थी साहेबगंज के डिफेंडर्स ने, उन्होंने अपना काम बखूबी संपन्न किया। पहली जो पहला खतरा था उसे टाला है, अब लंबा खतरा। अब हम देखते हैं जो कॉर्नर है, लॉन्ग कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर में क्या होता है। एक लंबा किक हुआ, वो बहुत क्लोज आ गई थी मणिपुर की टीम, लेकिन उनके डिफेंडर्स ने बॉल को बाहर किया और अब अपने साइड से उसको बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी गेंद अभी भी साहेबगंज के पाले में ही है और अब बॉल साहेबगंज के डिफेंडर्स ने उसको बॉल को लॉन्ग बॉल और उसे कलेक्ट किया मणिपुर के गोलकीपर ने और एक लंबा शॉट दिया अपने प्लेयर्स को ढूंढते हुए। बॉल मणिपुर के खिलाड़ियों के कब्जे में, अपने खिलाड़ी को देखते हुए बॉल साहेबगंज के जो खिलाड़ी हैं उनके डिफेंडर्स बॉल के पीछे, 11 नंबर जर्सी मणिपुर के, उन्होंने क्रॉस किया और ये जबरदस्त प्रयास, एक बहुत जबरदस्त हेडर, पर हेडर डायरेक्टेड थोड़ा सा अगर दाएं या बाएं गोल की के होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल ये अगर गोल होता तो यहां पर संकट पर पड़ जाते आजाद नगर और एक अच्छी बड़ी बढ़त मिल जाती, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने स्टार्ट करा है, शुरुआत करी, लाजवाब है, गजब है, जबरदस्त है, सब हमारे पास नहीं है, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यहां पर बच के ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन कहते हैं, ताला जैसे बरसात पहने हुए बच गए आजाद नगर के खिलाड़ी, अच्छा खेलते हुए। तो ये विजय हंसता है, बोला गया तवाय बलिंगा है तैयार, लंबा हिट लेते हुए यहां पर वर्षे विजय के लिए बॉल, बॉल बाहर जाता हुआ। दोनों टीम और मुखिया साहब लीलातरी वन के, उन्होंने ये घोषणा की है कि कोई भी गोल करेंगे पहला इस मुकाबले पर, इस मैच पर, उन्हें 501 रुपया से सम्मानित करेंगे। सोनाला टुडू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 501 रुपया से सम्मानित होंगे सोनाला टुडू जो मुखिया साहब है लीलातरी वन, ये उन्होंने घोषणा करी है। जो भी खिलाड़ी गोल लगेंगे पहला फर्स्ट गोल के लिए, ये इनाम है, ये तोहफा है। तो ये देखना होगा कौन से खिलाड़ी होंगे वो लकी, 501 रुपया का इनाम मुझे मिले। तो यहाँ पर ऑफसाइड है, यही सारा रेफरी का आता हुआ यहाँ पर। जी हाँ डेविड जी, एक कदम दूर एक गोल, 40वां गोल से भी कदम दूर है बिना, 39वां गोल है चुका है बिना, 40वां गोल कोटा के लिए प्रमाण हेतु जो है जो न्याय नोआ नियल कहे ना अरे मच मलिंगा थे बोल बिना हेलो जी बेहतर खिलाड़ी हेलो जी हेलो दिस इज द चांस एंड वंस अगेन बॉल इज इनसाइड एंड इट कैन बी गोल बट नो वे नॉट एट ऑल समहाउ दे मैनेज टू डबल आउट। ये किसी तरह इन दिन प्रकार के खेल का अदरवाइज इट वाज वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट देयर, बहुत नेक टू नेक फाइट चल रहा है। वंस अगेन ये देखिए पूरी तरह से अपने जाल में फंसाते हुए आजाद नगर को मलिक, और मां से अबोरन मरम गो के मरम पड़ा नोडे सोहर से तेरे कान उन्हीं मां कथा किता मनोदान श्री लोबिन हमरम जे जहां की गला
1001 रुपया पहल गोल लगी, कुल मिलाकर के यहाँ पर होता हुआ 1502 रुपया पहल खिलाड़ी लगी। मानवता मरांग खेड़ा रोबिन विक्रम से खोए 1001 और 1502 के साथ मिलाकर हुआ 1501 कुल मिलाकर के यहाँ पर 1502 रुपया होता हुआ। सुनील अगर ये बौछार होगा, बारिश होगी इनाम की, अब वो तो बारिश कब होगा नारायण अभी देखना बाकी है। जी हाँ डेविड जी बिल्कुल सही कहता है, गोल जी नहीं निश्चित तौर पर नॉट टूर्नामेंट फुटबॉल चैंपियनशिप मीन लिखा था मेरा थर्ड टीम टीम के सफल आयोजन हुई का डेविड जी हेलो हेलो। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मानवेल जो खिलाड़ी गोल दागे तो है नहीं यहाँ पर आजाद नगर से खेलते हुए, अब उसको रेस्ट दिया गया है आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मानिकपुर अच्छा खेलते हुए हमारे अच्छी पास ऑफ करते हुए चार खेले बोगल या विंगर है अच्छी चले वहां पर अच्छी पास बहुत सुंदर पीछे से करता हुआ यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बाइक पास कर दे, लेकिन देखिए गति है पास है तालमेल है इसी बीच अपने पास वहां पर वहां से लिए शिवशंकर खेल बहुत बदल प्रयास वहां पर गोपा गई है ये सुंदर के लिए अच्छा पास वन सेकेंड विस्तार वन सेकेंड पास यहाँ पर। जी हाँ बाबूलाल है तैयार है लंबा शॉट करने जाते हुए ये है बुद्रा वन सेकंड जसवीर से बॉल को निकालता है जसवीर का चार वहां पर लंबा शॉट इस बार लेकिन अब्दुल ये देखे हेडर है उसके पास गहना ही हां भाई देखिए फंस गया बाल बेहतरीन निकाला है विजय चक लेकिन थोड़ा सा पीछे हुए और यहाँ पर पहुंच कर चूक यहाँ पर और देखिए पूरी तरह से अब इस बार अच्छा पास लेकिन ये बहुत पीछे बॉल को ढकल दिया है डिफेंस से होते हैं। मणिपुर की टीम की एक बहुत बड़ी सफलता रही है कि उन्होंने अभी तक गेंद को साहबगंज के पाले में लेकिन अटैक पर साहबगंज की टीम जर्सी नंबर 15 से उन्होंने राइट विंगर को बॉल पास किया जर्सी नंबर 5 वो अपने खिलाड़ियों को देखते हुए वही कॉर्नर पे अभी भी वो एक बहुत बढ़िया चांस बना उन्होंने एक शॉट लिया पर डिफेंडर ने उसको डिफेंड किया और इसी बीच शायद एक फाउल और बॉल को वहां से निकालने का मौका। मणिपुर की टीम ने अगर हम अभी तक का खेल देखें तो मणिपुर की टीम ने बॉल ज्यादा अपने बॉक्स में रहने नहीं दिया है और उन्होंने प्रयास किया है कि वो बॉल को विपक्षी के बॉक्स के आसपास ही रखें लेकिन यहाँ साहेबगंज की टीम बॉल को लेकर उनके बॉक्स में आगे बढ़ते हुए इसी बीच बॉल साइडलाइन से बाहर थी और थ्रो इन का मौका मणिपुर की टीम को ही उनके पास मौका है बॉल को अपने बॉक्स से बाहर निकालने का जर्सी नंबर 10 बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने खिलाड़ी को बोलते हुए पर डिफेंडर ने एक लंबा किक किया बॉल को लगभग हाफ लाइन पर पहुंचा दिया और साहेबगंज के जो डिफेंडर्स हैं वो भी आगे आ चुके हैं और अपने फॉरवर्ड्स को असिस्ट करने के लिए अब अटैक पर साहेबगंज की टीम उनके खिलाड़ियों की तादाद मणिपुर के हाफ में बढ़ गई है और शायद जो खेल हम पिछले 10 मिनट में देख रहे थे वो अब उल्टा हो रहा है। तो हालांकि अभी तक जो हमने मणिपुर का खेल देखा है उन्होंने शॉर्ट पासेस पर बहुत अच्छा खेल खेला है जो जिसको टिकी टाका बोला जाता है 2010 में स्पेन की जो चैंपियन टीम थी उन्होंने इसी विधि का इस्तेमाल किया था और वो चैंपियन बनी थी उसी खेल का इस्तेमाल मणिपुर की टीम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। बहरहाल अभी दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष हो रहा है गोल किसी ने नहीं किया है और लाख टके का सवाल यही है कि पहला गोल कौन लगेगा डेविड सर। यस यू आर राइट लाख टके का सवाल इसी बात का है कि पहला गोल कौन लगेगा यहाँ 1500 रुपया कम से कम मिलेगा। अब्दुल का ये करारा प्रहार अब्दुल के रेंज में जब बॉल आते हैं ना तो बस बॉल को उठा देते हैं उड़ा देते हैं वहां से अपने क्षेत्र से अब्दुल जबरदस्त डिफेंडर बेहतरीन डिफेंडर लेकिन डेविड के तीनों समय बाद 40वां गोल हो गया निश्चित तौर पर भी तांग हो टूर्नामेंट का बंग चला अपना जे गोल बंग हुई के नाम फुटबॉल चैंपियनशिप 2023
बेटा मैं नी धरी ते तीन टूर्नामेंट हुई करा जोते तेरे गोल हुई हां बिल्कुल जोतो रे गोल हुई करा सिर्फ नुकु चंद्र जिमतु देखूं हर राजे नुकु बिल्कुल सही कथा नवा सवाल दो के मी होड़ा रदोबान जो तोरा मन में मस्त हो गया तो पूरा टीम जीत दो मैं का नेल हो तो ना मुझे दबी तंगिया बोल और रड़े हो ना नवा हाफ टाइम के बाद और मुका का तो बोल दो साइलेंस तो बाहर बड़ी मुश्किल किया नवा मेन लगी के नो इटा जितो से बेटा मैं का क्योंकि बना टीम आड़ी केटे गया की अकिन अकिन इस तरह डी मोर दिस इज चंद्रकांत जैसे नंबर सिक्स डिफेंस की पोजीशन से खेलते हुए स्पार शॉट लिया बहुत ही तगड़ा ये मौका हो सकता देखिए यहाँ पर किसी तरह रोक भर लिया रफ्तार को अन्य था यहाँ पर खतरा हो सकता तो फिर तरफ निकाल दिया वन से चले यहाँ पर मैंने पूर्ण बिहार लेकिन जो जलवा हमने देखा था उसका नाम है रफाइल नारायण ये रफाइल की रफ्तार कहीं धीमी पड़ती है अभी थोड़ा सा उसकी चमक में वो कमी दिखती है हमें और ये अच्छा शॉट ये शॉट ये चंद्रिका है बेहतरीन खिलाड़ी शॉट वाह ये बार मदर सिंह बेहतरीन बॉल संभाला है चले खिलाड़ी रफ्तार के साथ ये भाई मनहासा और इसी बीच यहाँ पर वन सेकंड मौका बार मदर सिंह ने शॉट दिया था ये टकरा करके बॉल बाहर चली गई है अब को ये मौका नहीं गवाना चाहेंगे रिचर्ड ये कॉर्नर आया है और एक बेहतरीन मौका जी हाँ डी डेविड से इस मौके का पूर्ण फायदा उठानी चाहेंगे क्योंकि ये मौके बार बार दस्तक नहीं देती जो भी अवसर आपको मिलता है उसका पूर्ण फायदा आपको उठाना ही चाहिए लॉन्ग कॉर्नर को फुटबॉल में हाफ चांस कहा जाता है अब देखते हैं हाफ चांस का कितना पूरा फायदा उठा पाती है साहिबगंज की टीम और ये लंबा शॉट पर शायद मिसडायरेक्टेड था वो बार के ऊपर से निकल गई अब गोली शॉट गोली ने अपने प्लेयर को शॉट पास दिया बॉल को लेकर तेज कदमों से मणिपुर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने अपने प्लेयर को देखा जैसी नंबर नौ नौ के पास बॉल वो आगे अपने खिलाड़ी को देखते हुए अपने खिलाड़ी को ढूंढते हुए छोटा पास जैसी नंबर 16 के पास और ये बहुत नजदीक आ गए वो साहेबगंज के डी के अंदर पहुंच गए और इसी भी बॉल इस कॉर्नर से शायद उस कॉर्नर पर चली गई बिल्कुल बिल्कुल इस बार मौका प्रदर्शित किया है ये मणिपुर और मणिपुर में जो खिलाड़ी जो सबसे फॉर्मिडेबल है सबसे खतरनाक है घातक है दैट इज अजय उन्होंने ऐसा शॉट चलाया था कि गोल कर दिया था सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन शॉट है उसके शूटर स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं कॉर्नर स्पेशलिस्ट इस बार अजय जाते हैं मौका हाफ चांस जो साहबगंज को मिला था अब वो शिफ्ट हो चुका है और सारे दर्शकों की निगाह अब साहबगंज के कॉर्नर पे क्योंकि शॉट लेने वाले हैं मणिपुर के खिलाड़ी देखा जाए इसका कितना फायदा उठाएंगे साहबगंज की डिफेंस में तैयार है पर शायद टिट फॉर टैट हुआ जो पिछले कॉर्नर में हुआ उसी को रिपीट इस बिल्कुल यहाँ पर उस लाभ उस मौके का उन्होंने लाभ ही नहीं उठा पाया दोनों ही टीम को एक बेहतरीन मौका मिला था दोनों छोर से लेकिन एक असफल हम कर सकते हैं गैर का शॉट जाता हुआ और इसी बीच फिर से मौका हो सकता है आजाद नगर के पास राइट फॉरवर्ड को दिया है लेकिन ये गेम थोड़ा दूर जाता हुआ हमसे और इसी बीच फिर से बिल्कुल डिबॉस का करीब मणिपुर का प्रेस दौड़ है लेकिन गेम उनसे थोड़ा दूर जाता हुआ दोनों की टीमें बहुत जबरदस्त प्रयास कर रही हैं पर मुझे लग रहा है डेविड का शायद फाइनल का भी कुछ दबाव होगा जो कुछ तो शायद जो खिलाड़ियों के मनोदशा पर होता है क्योंकि इतनी सारी टीमों को हराकर जब दो जबरदस्त टीमें फाइनल पर पहुंचती है तो कोई भी टीम गलती करना नहीं चाहती बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट दबाव तो रहता है फाइनल पर जीतने का और चूंकि एक लंबा सफर पर होते हैं थोड़ी सी थकान भी होती है और इतना यहाँ पर और गोल नहीं आना ये बताता कि दोनों टीम कितना मुस्तैद है ताकत हो रही है चले ये खिलाड़ी कौन सी संचार ये अजय के लिए चलिए
मलिंगा के पास बॉल, ये चंद्रिका के लिए, चंद्रिका पास बॉल, लंबा शॉट ऊंचा, लेकिन हेडर हवा पर, इस बार शॉट नहीं आया लेकिन ऊंचा जाता है, लंबाई कम, वहां पर स्ट्राइक, बस हेडर पीछे, इस बार शॉट लिया है बहुत बेहतरीन, ये बॉल कहां पर जाएगा, ये बॉल लेकिन खिलाड़ी नहीं है तदारक, देखिए वहां पर ड्रिबल कर रहे हैं, बेहतरीन पास मणिपुर, अब थोड़ा सा बैक फुट आते हुए शुरुआती क्षण ऐसा लग रहा था काफी आक्रामक ऑफेंसिव लेकिन थोड़ी सी डिफेंसिव खेलने के लिए मजबूर किया इस बार यहाँ पर क्या बात है बहुत सुंदर से वहां को डबी किया उसको अच्छी बात जैसे लाइन के लिए मैंने यहाँ पर देते हुए ये है दिवेश मोदी दिवेश मोदी चंद्रिका के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं खिलाड़ी बेहतरीन अब रहना फ्रेंड इस बार शॉट लेने से चूके वहां पर शॉट दिया जा सकता था ये बॉल कहां तक जाएगी शॉट किसके निकाल दिया यहाँ पर हेलो चलिए फर्स्ट हाफ या लगभग लगभग समय हाफ टाइम या थोड़ा ज्यादा हुई था पिता में फर्स्ट हाफ या लेकिन इसी बीच थ्रो इंडिया मुकाबला हाल एक बार आजाद नगर साहब भाई ना आजाद नगर साहब एक बार दूसरा पीछे खेलने का प्रयास विमल अरे भाई विमल चंद की पकड़ा हो दो खिलाड़ी को चीते हुए इसी बीच हाल का माइनस पास अरे भाई सुशांत चंद की पकड़ा शॉट हेलो और इसी बीच ये आक्रमण का सिलसिला आजाद नगर की ओर से ये थमने का नाम नहीं ले रहा लेकिन अभी तक सफलता उनके हाथ में लगी है निश्चित रूप से मणिपुर तो वो भी पलटवार कर रही है शुरुआती क्षण में उसने बहुत अपने आप को डिफेंड किया कहते हैं कि समंदर की लहर अगर शांत रहती है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी रवानी कहीं खत्म हो गई है क्योंकि जब भी उठता है तो तूफान बनकर उठता है तूफान दोनों ही टीमें बरकरार है फिलहाल हमें देखना होगा तो कौन सी टीम सबसे बड़े स्कोर पर इसी बीच यहाँ बेहतरीन मौका था मणिपुर के पास लेकिन गेंद थोड़ा सा दूर जाता हुआ अभी भी बिल्कुल हेलो देखिए खेल का ऊंट किस करवट बैठता है रिचर्ड शुरुआती तो ऐसा लग रहा था इन द बिगिनिंग ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा दबाव में खेल रहे हैं ये साहेबगंज के खिलाड़ी लेकिन देखिए दबाव को झेला है और बेहतरीन वापसी करी है और देखिए अभी तो थोड़ा सा लगता है कि कॉर्नर कर रहे हैं उसको लंबा शॉट बिल्कुल डेविड दा खेल उसी का नाम है खेल में जो देर दबाव को महसूस कर पाता है और उस दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है जीत उसी की होती है तो फिलहाल अभी हम देख पा रहे हैं अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अब काउंटर अटैक हो रहा है और खेल अब ज्यादा अटैक साहेबगंज की टीम अब ज्यादा अटैकिंग मोड पे आ गई है अब डिफेंसिव से अटैकिंग मोड पर उन्होंने गेम शिफ्ट कर दिया अपना बिल्कुल सही मौका मिलता है मणिपुर की टीम को निश्चित रूप से पूर्ण लाभ उठाना चाहिए अपनाते हैं और इसी के साथ हमारे बड़े भाई डेनिस दा भी हमें कमेंट्री में असिस्ट करने के लिए हमारे मंच पे पधार चुके हैं तो मैं चाहूंगा डेनिस दा कि आप भी हमें समय समय पे हमें असिस्ट करें धन्यवाद डेनिस दा और ये तेज तर्रार शॉट खतरनाक लेकिन देखिए कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी बिल्कुल चतुर चंचल और इसी के साथ यहाँ पर निश्चित तौर व्हाट इज मैच व्हाट इज पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्या है बहुत बेहतरीन कह रहा देखिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है यहाँ पर का ये यहाँ पर टक्कर चल रहा है यहाँ पर बिल्कुल और इस बार यहाँ पर खासियत है बोले जो ले हो वो कान का नीचे लागना पड़ेगा यहाँ पर चाहते हैं मैं जमीन ही सिख जाऊँ भूकम भूकम जाने ना आने रहते ना ही चुपता से सिर हंसी पर बिल्कुल 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 इसी बीच बमला चल के देखना समांतर पास वहां पर हरिवंश रोहन लगी लेकिन इसी बीच आजाद का जहां हासिल सका होता लेकिन उन्होंने डिफेंडर खतरनाक खिलाड़ी अरे भाई लगा सकते हैं प्रभाव का इसी बीच ओपनर शटमी निश्चित तौर है
पटवारी ठंडाजना हल्का माइनस पास छह नंबर लेकिन फुटबॉल छह नंबर लंबा पास वफाई लगी जा रहे लेकिन हल्का भी चंद्रिका मालको के द्वारा और सही सुनाई रेफरी मार्कुस के द्वारा और बाबा मोटे यूट्यूब मोटे फोन जाने की रोबर्ट यूट्यूब चैनल द्वारा दो और ब्रांडी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल दालन ठाकुर जी निश्चित तौर पर वो आने कब्जे छटा तो और जहाँ की वाले हाइलाइट यूट्यूब पे नियन पे मैंने कहा था ना पे यूट्यूब चैनल पे चलाते पे सर्च में सब्सक्राइब पे आप बहुत फनामेंट बच्चा या अनुभवी मिलेगा साथ है यूट्यूबर के साथ साथ हमारे अभिनंदन मीडिया बंधु राजकिशोर कुमार भी हमारे बीच पधार चुके हैं और आप लोग उसका जो न्यूज कवरेज देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज यूट्यूब चैनल न्यूज 24 इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसीलिए न्यूज 24 आप लोग फॉलो कर सकते हैं और फिर से खिलाड़ी चले अपने नए अपार लगाने बहुत बेहतरीन मौका लेकिन देखिए अपने खिलाड़ी को ढूंढते हुए तेज तर्रार के साथ और एक बार इस मौके को जरूर फुराना चाहेंगे रफाल के पास मौका अपने राइट फुट को दिया इसी बीच इनको डिपोजिट करें और मणिपुर चले अपने साथी खिलाड़ी को धरने का प्रयास करेंगे फिर से लेकिन गेंद उनसे थोड़ा दूर जाता हुआ इसको काफी अच्छा मौका खिलाड़ी के पास को दिया शॉट लगाने का प्रयास करेंगे लेकिन शॉट पे जाता पूरी तरह से छाता हुआ यहाँ पर और उन्होंने हर कुछ वो करा है साहेबगंज के खिलाफ में बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर उसकी रक्षा लाइन को झकझोर के रख दिया है लेस्ता नाबूद कर दिया है। अब तो आप बॉल वॉलंटियर्स बॉल दे बॉल दे जल्दी बॉल इनाम पे हो वॉलंटियर्स बॉल पर निगाह रखें बॉल को फेंक नहीं जा पा रहे थे ना गुटे मौज मौका कहाँ था लेकिन थोड़ा गाना अगर लगान मिले जाए तो परिणाम निश्चित रूप में उनको पक्ष से तंग हुआ मैं खाए नहीं तो बोल जला मी गोल पे रहा था का आजाद नगर साहेब बंटी सॉरी मणिपुर यहाँ पर आगे हैं आजाद नगर पीछे चल रहे हैं आजाद नगर को अभी भी स्कोर करना खाता खुलना बाकी है चले यहाँ पर बच्चों मणिपुर मणिपुर जैसे लाइन हाथ जाएगा ना बॉल आ रही है लंबा शॉट यहाँ पर किस खिलाड़ी को मिलेगा ये सिंह सक्कर की नहीं ये अजय के लिए बॉल था सिंह सक्कर जिस तरह से शॉट जमाए थे बाबू लोया हमने उसको सेकंड किया था बॉल गोल हो गया था सिंह को सुनते पास में बैठ गया वो चेंज ये खिलाड़ी कौन सा 14 नंबर खिलाड़ी है शॉट इस बार गोलकीपर ये लेकिन वो फॉरवर्ड की पोजीशन से खेलते हैं बहुत बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ी और डेविड की निश्चित तौर पर एक बार गया अड़ी बच अजय लेकिन इसी बीच सीजन का अड़ी बच रफाइल लगी लहा से क्रॉस करा बॉल चले तीसरे गोल की तैयारी वो एक खेल के टुकड़ा करेगा ओ हो 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 जी नहीं अरे वाह मजा आ गया ये खेल एक के बाद तीसरा गोल करने की तैयारी थी दोस्तों क्या बात है कहां से कहां तक तो गियर को जो एक्सीलरेट करते हैं गियर को चेंज करते हैं वो बहुत मायने रखता है विकी बिकॉज है किस समय आपको गियर चेंज कर रहा है कब एक्सीलरेट होना है ये बहुत बड़ा तो तकनीक का एक हिस्सा होता है आई थिंक जी डेविड जैसे हम लोग इंग्लिश में एक बात है आप दे एंटी पहला गोल होने के बाद उन्होंने खेल को डिफेंसिव नहीं किया उन्होंने अपना खेल और अटैकिंग खेल जारी रखा और इसी का नतीजा है कि उसको उन्होंने अपने लीड को डबल कर लिया बिल्कुल बिल्कुल ये दोहरा गोल हो गया है दूसरा गोल हो गया कहीं ना कहीं अपने जीत को सुनिश्चित करता हुआ और जीत की सौंध ही खुशबू नहीं मिलती हुई सांझ की बेला है बेहतरीन अवसर है पावन समय बड़ा दिन का अवसर आप बड़ा मंच है ये बड़ा मुकाबला चलता हुआ 1.5 लाख का सवाल है किसके झोली में होगा इतिहास कौन बनाएगा कौन रचेगा कौन होगा आज का सरताज और सिकंदर ये देखना सकते लेकिन कहीं ना कहीं अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है मणिपुर चले वर्ष मणिपुर मणिपुर ये शिवशंकर बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छा पास दिया वहां पर एक खिलाड़ी विंग के तरफ आते हुए यहां पर इस बार बॉल को लॉन्च करता हुआ लेकिन लेकिन नहीं थोड़ा सा होल्ड करता हुआ बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ कैरी करने की कोशिश वहां पर वंशे अपने पास ही ओवर रखा है लेकिन ट्रिगर के वंशे बॉल के साथ आगे जाते इस बार शॉट लिया है बॉल चला चला अरे हे इस बार बचे दोबारा रफायल अपने जगह पे आने दे रफायल क्या जज है क्या ने उस मोमेंट को जज करते बॉल कहां गिरेगी क्या होगा कैसे होगा ये सारा चीज का हुनर उन्हें पता है उन्हें कहते हैं किसका वो लिखो
जो मशहूर हो जाए, किस्सा वो लिखो जो मशहूर हो जाए, दोस्त वो ना बनाओ जो दूर हो जाए। दुनिया में कुछ ऐसे कर जाओ दोस्तों कि लोग आपसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाए। तो रफाल ने वो किया है, हम उसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर है। इसी दूर से बहुत बेहतरीन खेल, बिल्कुल जबरदस्त बात, सही शब्दों से उसको बेहतरीन खिलाड़ी को संबोधित किया है और निश्चित रूप से वो इसके हकदार भी है, क्योंकि जिस तरह से उसने खेल दिखाया है इस पूरे टूर्नामेंट में सभी दर्शकों को प्रभावित किया है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। देखिए एक बदलाव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास किया जाता है, नायक को बुलाया जाता है, उसके गेस्ट में आगे अभी देर हो गई होगी हमें लगता है, अब काफी देर उन्होंने बदलाव होने प्रयास किया, नौ को बाहर बुला कर 13 को अंदर, जो 13 खिलाड़ी गोल गा के थे नारायण उसको यहाँ पर भेजा गया है। हमको लगता है कि पहले अगर माने को भेजा जाता तो ये संभावना होती, लेकिन जो हो इस बार बदला, लेकिन समय है तो गोल का आंकड़ा कोई बड़ा नहीं, अगर हिम्मत है कहते हिम्मत मरता मत खुदा, ये कहा गया है। और ये कहते हैं कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबियत से तो उछालो पत्थर को, तो उछालो यार, अब तुमको छकाना और ये वक्त गए मलिक को छकाना, इसका मतलब क्या है? बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, उसके पास सारा कुछ है, स्किल्स है, स्टैमिना है, स्ट्रेटेजी है, कुछ है। और ये अजय 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 के साथ और ये गोलकीपर यहाँ पर दिव्य चंद स्वर है, बड़ी मौज हमारे बना से बजे आक्रमण, लेकिन और इसे भी फिर से मौका बनाने का कोशिश जरूर, और इसे भी बहुत अपने साथी खिलाड़ी को देखे, थोड़ा सा जल्दबाजी करता हूँ रफाइल, अपने साथी खिलाड़ी को पास के जरिए देना चाहता लेकिन थोड़ा चुका था, और इसी बीच पूरे का प्रयास करेंगे, पूरे 1,00,000 और 1,50,000 का सवाल है, इसीलिए ये अच्छी पहल है, क्योंकि 1,00,000 और 1,50,000 यदि करा गया तो कम से कम फाइनल भी सेमीफाइनल को मजा दे जाएगा, और यही होता हुआ यहाँ पर, और मानिकपुर ने कहीं ना कहीं 1,50,000 तरफ से निगाही टिका के रखा है, उससे कम मंजूर नहीं है, बिल्कुल दो गोल तो यही बताता है। रिचर्ड जी हाँ जी डेविड, दो गोल का फुटबॉल में दो गोल बहुत होते हैं, पर दो गोल लौटाने के लिए 2 मिनट भी काफी होते हैं। दो मिनट काफी होता है, मुकम्मल रूप से अगर पास मिले तो ये हो सकता है, लेकिन कब होगा कब होगा, इस बार मौका पर रखेंगे सब लोग, सब लोग इस बार पहले सेटिंग, ये खिलाड़ी चौके पर, ये देखिए यहाँ पर ये खिलाड़ी है बहुत लकी, बॉल बाहर चली गई है, जिसका नाम है मानवेंद्र, बिल्कुल और एक बहुत बेहतरीन किया था बॉल को ये सारा, वाह कहा जाता है कि मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, जब दिल में हो जुनून तो फिर फासला क्या है, और दोनों ही टीम यहाँ जोश जोश जुनून और जज्बा के साथ अपना खेल दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि मंजिल बहुत खूबसूरत है, क्लियर पे पहुंचा जाए तो निश्चित रूप से दूर चले गए थे हेडर स्पेशलिस्ट, और ये देखिए बॉल निकल गया है, ही इज अलोन ऑल अलोन रनिंग रनिंग लाइक एवरीथिंग, और जाकर चीता सबसे तेज होता हुआ उसी बात में इस बार फिर सबसे बड़ी ओवर कर दो चकमा है, बॉल को आगे कैरी करने का प्रयास पर, और एक बार अच्छी बात यहाँ पर ये होगा क्या, तीसरा गोल गोल कीपर ने बचा लिया है कि नहीं, बचा लिया है भैया, ये तीसरा गोल होता, ये गेंद पर दारुण, यस 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 ये है, ये मानवेंद्र चुके छूटे, और ये है ये खिलाड़ी चंद्रकांत, ये डिफेंस की पोजीशन से चलते हुए अच्छा कुर्ता खेलते थे, यहाँ पर तीसरा गोल होता तो रहा सहा कसर होता, ये पूरा करते हैं सामने बाद, ये खिलाड़ी डिफेंस सेंटर डिफेंस करते हैं, बहुत जबरदस्त उसका शॉट होता है, बहुत पावरफुल होता है, और उसी वजह से एक गोल उन्होंने जो पहला ओवर का सिद्ध हुआ था बाबूलाल ने जिसको गोल करा था वो इसी का ही हाथ था उसमें सबसे पहले, अच्छी बात पीछे बोल कर धकेला, अच्छी बात तो अब बॉल को खेलाने का काम करेंगे, दो गोल काफी है, चश्मी मैंने ये खिलाड़ी डिफेंसर के नाम से जाना जाता है, ये देखिए समय लेते हुए चलाने का प्रयास, और एक बार चले रफाल पूरी तरह से छाते हुए, जितना कहें उतना कम है, देखिए तरीका अच्छी पास वहां पर बिल्कुल सेकंड पास, अब दौड़ लगाता हुआ बॉल के साथ क्या थकाया वहां पर, लेकिन इंटरसेप्शन आता हुआ बॉल तक चला के बाहर, पूरी तरह से नचा के रख दिया है आजाद नगर साहेब जी मणिपुर ने, और बता दिया कि खेल क्या होता है, खेल का एबीसीडी शायद उनको सिखा रहे होंगे, निश्चित रूप से ऐसा खेल और ऐसा बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच, बड़ा टूर्नामेंट,
और ऐतिहासिक मैदान अबू। ये है चंद्रिका महापुर, कम मत आके उसको देखने में छोटन लगे घाव कर बोल आज गिराने का प्रयास पॉइंट हुई है। वाह वेल प्लेड चंद्रिका, ये डिफेंस आपसे बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन आज उसकी एक ना चली है। अब्दुल को भी छगाया गया है और अब्दुल का शॉट अंतिम चरों पर, यहाँ पर ये प्ले ऑन का आदेश है, बहुत आगे बढ़ा दिया गया लेकिन अब तक ज्यादा अब्दुल अब्दुल हौसला मत गिराओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखा दिए। इसी बीच चले यहाँ पर मानवेल है तैयार, इसी बारे में जैसी बिल्कुल मौका पाए बहुत अरबी असार मौका लौट कर नहीं आ सके। ये मानवेल का बहुत बड़ी गलती, यहाँ पर एक गोल हो सकता था लेकिन नहीं करा उन्होंने, मानवेल के लिए अवसर ये गमाता हुआ नहीं तो 2-1 का ये स्थिति होता, लेकिन होता जब होता खेल पर अभी भी बने हुए टट कर चलते हुए पसीना बहाता हुआ बसौट हेड शॉट बिल्कुल लगा नहीं बॉल लंबा पहुंच लेंगे। यह है रफाल, चले चले रफाल, रफाल के पास ये खिलाड़ी एक और कर रहे हैं, क्या दूसरा गोल होगा इसकी बॉल, ये खिलाड़ी जो 14 के पास है बेहतरीन पास, ये और एक बार चले चले तैनात फ्रेंड्स, इस बार सोलह कोशिश लेकिन इसको जस्ट मौका भर किया और ये गलती कर बैठे हैं। अच्छा उधर बच्चित के वन सेकंड, क्या ये तीसरा गोल होगा, तीसरे गोल करने की तैयारी करता हुआ मानिकपुर और ड्रेस पहने हुए ये कोला है, ये दर्शक का झूठ हुजूम ये बताता है कितना ये मैच बेहतरीन खेला जा रहा है। सारे लोग जैसे भूत की तरह यहाँ पर लगभग सांप खड़े हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह सांप सुन गया हो जैसे लगता है। देखो तो जरा पेड़ पौधे के पत्तियां भी ना हिले तो आदमी क्या हिले, इतना बेहतरीन खेल चल रहा है। और इस खेल को अगर ज्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग किया जाए तो मजा आए, लेकिन हम चाहेंगे शायद यूट्यूब में सारा ये अपलोड होता रहा होगा, घर में जाके आराम से तफसील से और एकदम आराम से देखेंगे, उसे मजा ले लेके देखेंगे। ये मैच तो भाई बहुत बेहतरीन है, लाख करोड़ का मैच है, हम टीवी वगैरह में मैच देखते इंटरनेशनल, लेकिन ये इंटरनेशनल से बढ़ चढ़ कर है। हम तो सरकार से चाहेंगे ऐसे खिलाड़ी हुनरमंद खिलाड़ी को वो मौका दिया जाए ताकि हमारा भी खेल भारत का फुटबॉल कम से कम 100वें स्थान और एक स्थान में आया। ये सोचे थे बुलेट की रफ्तार गति के साथ और शायद एक को बदला जा रहा है, मालिक को किसी 10 नंबर को बदला जा रहा है और उसके बदले में 8 भेजेंगे। नहीं नहीं ये मानिकपुर नहीं है, ये आजाद नगर साहेबगंज में बदला है। देखो और पूरी तरह से मैच में जो जकड़ है जो पकड़ है उसको बहुत ऊंचे दिशा में करके रखा है, नकेल जो कसा है कस के पकड़ा है पूरी तरह से, अब उस ग्रिप को गिरफ्त को ढी ही नहीं दे रहे, बहुत जबरदस्त। जैसे जैसे गेम में पार होता जा रहा है मणिपुर का एक क्या हो बाहर, जब तक ये फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक रेफरी का आखिरी फैसला बच जाए और साहेबगंज की टीम अपना संघर्ष जारी रखेगी। बॉल मणिपुर के रफाल के पास पर बॉल इंटरसेप्ट किया गया है जैसे नंबर 5 के द्वारा साहेबगंज की टीम ने, अब वो अटैकिंग मोड में आ गया और आना भी पड़ेगा क्योंकि अब और ये लंबा शॉट ये पिसा शॉट आना जाएगा, बहुत अच्छा मौका था 12 नंबर जैसे के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी खेल भी वापसी करने के लिए 12 नंबर जैसे ने वो करा ही नहीं, रायमन हारता है ना इसका आजाद नगर के खिलाड़ी हैं लेकिन सटीक निशान कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान है, ये वाले हाल थी और कोई फायदा नहीं। 2-0 का यहाँ पर खेल चल रहा है, 2 गोल से आगे चल रहे हैं मणिपुर और ब्लू जर्सी के खिलाड़ी हैं आजाद नगर, जो कि अभी तो खाता नहीं खोल पाए, खाता कमिंग समय में आने वाले समय में खोल पाएंगे कि नहीं, ये लाटा का सवाल अभी भी बरकरार है, ये लेकिन खेल बरकरार है चलता हुआ ये चीज चलकर चले पूरी तरह से जैसे मौके पास मौका है अपने साथ खिलाड़ी यहाँ पर इसका लंबा शॉट यहाँ पर दूर लेकिन अजय बहुत आगे चंद्रिका के लिए चंद्रिका चंद्रिका चले चले अपने सामने घूमते हुए काफी आगे तक बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, वहां पर सुंदर पास लेकिन ये बॉल बाहर चली जाएगी।
पीछे पीछे बॉल का पकड़ा है बिल्कुल। यहाँ पर पांच रन जैसे के लिए बहुत ही उमदा बहुत बेहतरीन खेल उछलाइमान है, प्रगति कर रहा है। जैसे फिफ्टीन के पास मौका है बिल्कुल अपने पास बॉल को रखते हुए शॉट लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, समय लेते हुए समय जाया कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उसके खाते में दो गोल सुरक्षित है और दो गोल करना ये लोहे के चने चबाने बराबर होगा और हमको लगता है लोहे से क्या मजबूत हो सकता है वो होगा और इसीलिए यहाँ पर बढ़ चढ़ कर खेलना होगा, सारे खिलाड़ी को आगे खेलना होगा। निश्चित तमलिंगा का लंबा शॉट यहाँ पर जाता हुआ, ये मैनुअल खेले मैनुअल अच्छा पास है, ये अच्छा ये बहुत दूर तक बहुत आगे बढ़ा दिए यहाँ पर ये रफाइल चले चले रफाइल के पास एक गोल का तो एक को छगा बेहतरीन तरीके से बेहतरीन वर्ष के लिए चले अपने पास बोल रखता हुआ अच्छा पास लंबा कर दिया है वहाँ पर लेकिन अंदर बोल आ जाएगा दूर बोले छोड़ दिया गया था। मैं यहाँ पर कोशिश करे थे यहाँ पर रफाइल ने लेकिन ये हुआ इस बार नहीं, ऊपर पाए और बताओ बॉल क्रॉस बार से बेकार बेकार जाता हुआ लेकिन अभी भी सुखद स्थिति बनाते हुए कॉन्फिडेंस या साहस से लबरेज ये टीम है मानिक पूर दो सूर्य का बढ़त और यहाँ पर पूरी तरह से जब दोनों करता हुआ संघर्ष का तरफ कांधे झुके हुए थोड़ी से बातचीत पर नजर आते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको कुछ चमत्कार करना होगा नया करना होगा अलग करना होगा साम दाम दंड जो भी नीति आपके पास है वो करना होगा तभी जाकर के दो गोल आप की बराबरी कर सकते हैं। इक्वलाइजर आना जरूरी है तभी आप मुकाबले पर बने रहेंगे अन्यथा यहाँ पर पहला जो प्राज है वो झटक ले जाएंगे मणिपुर। लेकिन जब तक खेल है किसी को ये नहीं कहा जा सकता अभी भी मौका है। ये देखिए गोलकीपर समय जाया करने का काम कर रहे हैं, देखिए वहां ये देखिए वाह यहाँ पर अपने पास बॉल रखते हुए बीच में गैप पे देने का प्रयास, कोई दबाजी नहीं है कोई हड़बड़ाहट नहीं है क्योंकि वो दो गोल उसके खाते में है सुरक्षित। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा थके हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से खामोश अतोत्साहित डेस्परेट कहे तो नजर आते हुए लेकिन यहाँ पर मेहनत करने की दरकार है आवश्यकता है जो राजमार्ग करने की जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर वैसे मणिपुर जैसे नौ चले चले इस बार संसार देने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार लेकिन ये गलती कर बैठे बारबर सिंह रायमन हंसता और एक मौका दे बैठे कॉर्नर का, ये तीसरा गोल करने की तैयारी करेंगे। ये इस बार रफल कर रहे हैं कि हम शॉट लगाएंगे इसलिए क्या अपना स्कोर लेवल को ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, छह होगा क्या अपने लीजिए और टीम के लिए तीन ये देखना शेष है बिल्कुल। अब दूध है अंदर सारे खिलाड़ी अंदर कुछ खिलाड़ी बाहर अब ये देखिए क्या कुछ चंद्रिका भी अंदर है विशेष बचता हुआ आदेश आता हुआ और ये फ्लैग को टच करा गया है इसीलिए ये गलती हुई है फॉल्ट हुआ है, आप फ्लैग को टच ही नहीं कर सकते। हाथ से मारा है, हाथ से मारा है लंबा शॉट, अब कोई चारा भी नहीं है पूरी तरह से बांध के रखा है और अपना पकड़ को छोड़ ही नहीं रहे कसमसा के रख दिए हैं इसको क्या बात है ये है जाएगा बस और लेकिन टकराया अपने खिलाड़ी से डिफ्लेक्ट हुआ बॉल बाहर चली गई मलिंगा इस बार आते हुए लंबा ये खींचते हुए बॉल को यहाँ पर देखिए क्या छगा यार जबरदस्त वाह अच्छी पास इस बार मैनुअल को मिला है मैनुअल चले मैनुअल इस बार शॉट लेगा कि नहीं इस बार शॉट जमीनी ये बहुत बड़ी चूक भैया बहुत 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 द ब्लंडर लेकिन नहीं कर पाए बड़ी चूक बिल्कुल एक बड़ा ही क्लियर शॉट था सामने सिर्फ गोली थे अगर शॉट क्लियर लग जाता तो बहुत संभावना थी कि एक गोल लौट जाता बहरहाल शायद यही दिन रहा है अभी तक इस फाइनल में ये इट सम्स अप द डे फॉर साहेबगंज मणिपुर की टीम लगातार एक्टिव बनी हुई दो गोल की जबरदस्त लीड पर बैठी हुई है टीम और वो कॉन्फिडेंस उनके खेल में नजर आता होगा यहाँ
साहबगंज के डिफेंडर ने बॉल को बाहर किया पर बॉल दोबारा मणिपुर के कब्जे में। अपने साथी की गाड़ी को खोजते हुए बॉल को छोटे छोटे पास से वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक के हुए खेल में हम डेविड दा जो मणिपुर का बॉल पर जो कंट्रोल है वो जबरदस्त रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, कंट्रोल रहा है, कंट्रोल होना मानता जरूरी है। आपके पास यदि आपके लाइफ में भी कंट्रोल है, बैलेंस है, तो आप निश्चित रूप से देर ही सही लेकिन दुरुस्त आप आगे बढ़ेंगे, ये तो कहना है। और ये कंट्रोल के और ये देखिए पूरी तरह से अपने ही पाले में अपने ही पास बॉल को रखते हुए पूरी तरह से हावी होते हुए कोई मौका ही नहीं दे रहे, बार रन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थे, यही गलत कर रहे, ज्यादा छकाने का प्रयास। ये देखिए वर्षिकेट भंडार रफाल रफाल के पास रफाल रफाल चले चले वहां पर नहीं चले चंद्रिका है चंद्रिका अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई सको सुधार नहीं है। अच्छा खेलते हुए यहाँ पर पास गैप में देने प्रयास पेनेट्रेटिंग पास बेहतरीन कोशिश वहां पर होने के लिए गलती कर बैठे। ये चट्टी के पास बॉल है उपेंद्र के नाम से मशहूर खिलाड़ी ये भी जय लेकिन जैसो दो मलिंगा अंतिम समय पर यहां पर जूझ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन अंतिम विसिल जब तक हो तब तक ये मुकाबला जारी रहेगा। हालांकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ऑलरेडी मैच प्रेडिक्टेड क्या कुछ हो सकता है लेकिन जब तक फाइनल विसिल नहीं बज रहा हो तो हम नहीं कर सकते कुछ भी और भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता। और ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूर कर दिया है मणिपुर ने आजाद नगर साहिबगंज को पूरी तरह से, करे तो क्या करें, ये ऑफसाइड यहाँ पर आता हुआ। एंड नथिंग मोर इज लेफ्ट इन द मैच विकी जी, इट वाज टू गोल ऑलरेडी स्कोर्ड बाय मणिपुर एंड दे आर इन द विनिंग सिचुएशन। आई थिंक नो मोर टाइम इज लेफ्ट, अभी जो भी कुछ करना होगा आई थिंक ये यहाँ पर हर कुछ झोंकना पड़ेगा आजाद नगर साहिबगंज को। यहाँ पर जब तक फाइनल विषय नहीं बची तो सर ये देखिए हम जो कह रहे थे इसी के साथ ही ये समय भी यहाँ पर समाप्त होता है। और यहाँ पर विजय होते हुए अजय विजय होते हुए